हेलो गाइस, वेलकम बैक है आपका अगली क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ख़त्म किया था या वाइंड अप किया था हमने। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे जांच पड़ताल कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ले सकते हैं एक लिविंग टिश्यू, जो कि है एक पीस ऑफ वेजिटेबल या पीस ऑफ लिवर। उसे हम ग्राइंड करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। किसके यूज से? बाय यूजिंग ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल, यानी मोर्टार और पेस्टल के हेल्प से अगर हम वेजिटेबल का पीस लेंगे या लिवर का पीस लेंगे और उसे ग्राइंड करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, तो हमें मिलेगी एक थिक सिलरी। अगर हम इसे स्ट्रेन करते हैं किसकी हेल्प से? चीज क्लॉथ या कॉटन की हेल्प से, तो हमें मिलते हैं टू फ्रैक्शन, वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और एसिड सॉल्यूबल पूल, और सेकंड होता है रिटेंटेट, दैट इज एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जो एसिड सॉल्यूबल पूल होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 से 800 डेल्टन्स, यानी लेस देन 1000 डेल्टन्स, और इसलिए उन्हें कहा जाता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। और जो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है इन द रेंज ऑफ 10,000 डेल्टन्स, और इसके अबव भी जा सकता है। एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन 4 टाइप्स के होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स, और इन्हें कॉमनली कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और बायो मॉलिक्यूल्स तो कहते ही हैं इन्हें। एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में लिपिड एक एक्सेप्शन होता है जिसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन से कम होता है, फिर भी लिपिड्स पार्ट होते हैं एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन का, क्योंकि ब्रेकडाउन के टाइम लिपिड्स ब्रोकन हो जाता है पीसेस में और फॉर्म करता है वेसिकल्स जो नहीं होते हैं वाटर सॉल्यूबल। इसी कारण ये चीज क्लॉथ से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं या पास नहीं हो पाते हैं चीज क्लॉथ या कॉटन से, और क्या रह जाते हैं ये एसिड इनसॉल्यूबल पूल में। और किस फ्रैक्शन में रहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन में। लेकिन लिपिड्स स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ये जो टेबल दी है ये एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, ये इसके कंपोनेंट्स हैं और ये परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास है, यानी सबसे ज़्यादा मास किसका है? वाटर का। इसका कितना है? 70-90%। फिर है प्रोटीन का 10-15%। फिर है न्यूक्लिक एसिड का 5-7%, एंड देन कार्बोहाइड्रेट 3%, फिर है लिपिड्स का 2%, एंड लास्ट है आयंस का सबसे कम 1%। तो अब हम हेडिंग डालेंगे चैप्टर 9 बायो मॉलिक्यूल्स। इन दिस राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, टू एनालाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड आइदर अ पीस ऑफ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर इज मिक्स्ड विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल। नेक्स्ट पॉइंट,
बाय द हेल्प ऑफ आइदर चीज क्लॉथ और कॉटन ऑल सेपरेट दिस मिक्सचर एंड गेट टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. फर्स्ट एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन दैट इज फिल्टरेट एंड इट कंटेन थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सेकेंड इज एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन दैट इज डिटेंटेड. हेडिंग डालेंगे अब हम नेक्स्ट एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन. इन दिस राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट कंपाउंड्स विच आर एसिड सॉल्यूबल हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 डेल्टन्स ब्रैकेट में 18 to 800 डेल्टन्स आर सेट टू बी माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट पॉइंट एसिड सॉल्यूबल पूल रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन. इन दिस राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट इट कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इन द रेंज ऑफ 10,000 डेल्टन्स एंड इंक्लूड only 4 types of organic compounds. First, protein. Second, nucleic acid. Third, polysaccharide. And fourth, lipids. Next line से लिखेंगे and are commonly called macromolecules or biomolecules. Next heading डालेंगे हम छोटी सी exception. In this write down first point, the molecular weight of lipids is not more than 800 daltons, but still they are the part of acid insoluble fraction because during its breakdown, small molecules of lipids further combine to form large size vesicles, which are not able to pass through cheese cloth or cotton. And remain in acid insoluble fraction. Next point, lipids are not strictly macromolecules. तो ये टेबल आप लोग बना लेना. तो गाइस आज की वीडियो यहीं एंड होती है. आज हमने पढ़ा एसिड सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन दैट इज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में. तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.